तो गाइस पैच वॉल 3.0 का अपडेट बहुत सारी मी टीवीज़ में रोल आउट होना शुरू हो चुका है। इसका अपडेट आपको हो सकता है मिल चुका हो आपकी टीवी में। तो इसमें आपको क्या नए फीचर्स मिलते हैं, कौन कौन सी मी टीवीज़ में ये अपडेट मिलेगा और कैसे आपको चेक करना है कि अपडेट मिला आपको या फिर नहीं मिला, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो लिस्ट है जिन टीवीज को ये पैच वॉल 3.0 का अपडेट मिल रहा है। अगर आपकी टीवी इसमें शामिल नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और उसका मॉडल नंबर भी बता सकते हैं। अब अगर बात करें कि कैसे आपको चेक करना है कि भाई आपका टीवी पैच वॉल 3.0 पे रन कर रहा है या फिर नहीं, तो सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है पैच वॉल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी टीवी पैच वॉल 3.0.1 पे रन कर रही है ऑलरेडी। तो मुझे इसका कोई OTA अपडेट का पैकेज नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से ये सर्वर साइड एक अपडेट रोल आउट किया गया है पैच वॉल 3.0 का मी टीवीज के ऊपर, क्योंकि अपनी टीवी की अबाउट सेक्शन में जब भी जाके मैंने अपडेट को चेक किया था तो वहां पे मुझे कोई अपडेट मिला नहीं था, लेकिन मेरा टीवी ऑटोमेटिकली पैच वॉल 3 पे रन कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो यहाँ पे जैसे ही आप पैच वॉल 3.0 पे जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको UI के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। यूजर इंटरफेस पहले से थोड़ा ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है मुझे, और जो अपर मेन्यू है यानी कि होम, VIP, न्यूज सेक्शन, उसके फॉन्ट्स थोड़े से बड़े कर दिए गए हैं पहले के मुकाबले। और साथ ही इन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ पार्टनरशिप भी करी है, जिसके बाद आप वन क्लिक एक्सेस कर सकते हैं स्पोर्ट्स कंटेंट को। यानी कि यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में अगर आप जाते हैं और क्रिकेट कोई आ रहा है, लाइव क्रिकेट आ रहा है, तो आप सिंपली यहाँ से वन क्लिक उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही स्पोर्ट्स सेक्शन में जाके आप और भी लाइव जो स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, अपने मनपसंद स्पोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही इस बार इन्होंने थोड़ा और ज़्यादा एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज़ किया है, यानी कि जिस जिस प्लेटफॉर्म पर आप जो जो मूवीज़ या वेब सीरीज देखते हैं ये आपको उससे रिलेटेड कंटेंट सजेस्ट करता है थोड़ा सा और स्मार्टली, कि भाई आप किस टाइम पे क्या चीज़ें देखने के बारे में सोच रहे होंगे उसी टाइप की चीज़ें आपको रेकमेंड करता है। और साथ ही जो कंटेंट आप यहाँ पे देखते हैं वो कौन से प्रोवाइडर का है, यानी कि कौन सा OTT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, उसका लोगो यहाँ पे आपको अब थोड़ा और बेटर देखने को मिल जाता है। और जो फ्री कंटेंट होगा किसी प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पे आपको फ्री का एक बैच देखने को मिल जाएगा, तो उसे आप सिंपली एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी प्लान के। तो अगर आपको अपडेट करना है तो आपका जो मी टीवी है उससे इंटरनेट से कनेक्टेड रखिए और मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये अपडेट आ जाएगा। अब पैच वॉल 3.0 पे मेरा टीवी चल रहा है, मी टीवी 4X है 43 इंच वाला, और यहाँ पे मैंने इसमें कुछ बग्स भी नोटिस करे हैं इस अपडेट के बाद। यहाँ पे कई बार रिमोट की बटन्स काम नहीं करती हैं, मेनली जो बॉटम वाली की है और ओके वाली की है वो कई बार काम नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से ये कोई बग होगा और कंपनी इसे फिक्स कर सकती है अपने अगले अपडेट के साथ। तो मेरा जो फीडबैक होगा इसके रिगार्डिंग मैं वो Xiaomi टीम से शेयर कर दूंगा। तो आपके मी टीवी में पैच वॉल 3.0 का अपडेट मिला या फिर नहीं मिला आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आपको और क्या नए चेंजेस नोटिस हुए इसमें वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं इसे एनालाइज कर रहा हूँ और भी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।